राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। किसी व्यक्ति ने बीस वर्ष की उम्र में धन कमाना आरंभ कर दिया, कितने वर्ष की उम्र में, और लगातार 60 वर्ष अथक परिश्रम करके धन कमाया। मान लो 100 करोड़ रुपए उसके पास हो गए, कितने, उम्र कितनी हो गई, अरे नहीं, हाँ 20 साल से कमाना शुरू किया, 20 साल तक तो पढ़ाई लिखाई कर, 20 साल से कमाना शुरू किया, 80 वर्ष की आयु तक कमाया, कितना पैसा हुआ। ये 100 करोड़ तो हम बहुत छोटी बात बताने, लोग तो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, पर हम छोटी छोटी बात लेके चले, 100 करोड़ रुपया कमाया। अब जिसने अपने जीवन के अमूल्य 60 वर्ष खर्च करके 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो भगवान से कहे कि ये 100 करोड़ रुपए ले लो, कितना, 100 करोड़ रुपए ले लो, हमको 6 वर्ष का समय और दे दो, कितने वर्ष का समय, 100 करोड़ ले लो, 6 वर्ष का समय दे दो, मिल जाएगा। चलो भाई 6 वर्ष तो ज्यादा तुमने बोल दिया, 3 वर्ष का समय दे दो, नहीं, चलो 1.5 साल का समय दे दो, नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं 6 महीने का समय दे दो। 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 6 महीने का समय हमको चाहिए, दे दो, नहीं संभव नहीं। तो फिर ऐसा करो 6 घंटे का समय दे दो, 100 करोड़ ले लो, 60 वर्ष की कमाई ले लो, और कितना समय चाहिए, 6 घंटे। अरे बोले भले आदमी क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे बिल्कुल नहीं, तुम्हें समय की कीमत मालूम नहीं है। बोले फिर ऐसा करो, आपको 6 घंटे का भी समय भारी पड़ रहा है देने को, 3 घंटे का दे दो, 3 भी नहीं मिलेगा, 1.5 का दे दो, उतना भी नहीं मिलेगा, अच्छा चलो जाने दो 60 मिनट का समय दे दो, कितना, 60 वर्ष की कमाई, 100 करोड़ रुपए कमाए, और 60 मिनट हमको चाहिए, दे दो, मिलेंगे, अच्छा चलो जाने दो 1 मिनट दे दो, 59 मिनट तुम रखो, हम 100 करोड़ दे रहे हैं, 60 वर्ष की कमाई, कितना महंगा सौदा कर रहे हैं, इतना तो रहम खाओ। तो भगवान की तरफ से, शर्मा जी भगवान की तरफ से कहेगा कि 1 मिनट, 1 क्षण भी नहीं, हुकुम भया कोई रहन न पावे, हुकुम हो जाएगा ना चलने का, तो ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी, आप इतना समय मांगो कि हमारी श्वास भीतर गई है अब बाहर आ जाने दो, वो भी नहीं, गई। हमने देखा है एक बच्चे को मरते हुए देखा, ऐसे किया, बस ऐसे नहीं किया, ऐसे किया। बच्चा बीमार था, हमारे मोहल्ले की बात है, ब्रजवासी बालक था, ब्राह्मण बालक, बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो हॉस्पिटल से घर ले आए, वो लोग रोते हुए हमारे महाराज जी के पास आए,
महाराज जी तो त्रिकालज्ञ थे, महाराज जी ने कहा अब तो भगवान का नाम सुनाओ उसको, माने महाराज जी ने कह दिया कि उसका समय पूरा। तो महाराज जी हमसे बोले कि आप चले जाओ, उसको सुनाया। तो हम विष्णु सहस्रनाम सुनाए, बच्चा होगा 12-13 साल का, 11-12 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा इसी। परिवार के लोग बैठे थे, हम सुना रहे थे विष्णु सहस्रनाम, और हम नजर भी देख रहे थे कि हमने कभी मरते किसी को देखा नहीं था, तो हम ये भी देखना चाहते थे कि आखिर ये मरने वाला तो कैसे मरता देखें, ये भी कौतूहल था। तो मैं अपनी आंखों से देखी, बचपन की घटना सुना रहा हूँ। वो बच्चा बेहोश था, ऐसे किया बस, एक हल्का सा झटकाया, ऐसे किया, माने श्वास ली पर श्वास छोड़ी नहीं। हम समझे नहीं कि ये मर गया, हम तो पाठ कर रहे थे। तो एक बुढ़ी मैया बोली, बाबा अब चले हो जा, ये तो गयो, धीरे से बोली। तो हम धीरे से उठ के वहां से चले आए। यमुना जी स्नान करके महाराज जी के पास पहुंचे, ऐसा मन में वैराग्य जगा, अरे राम ऐसे आदमी मर जाता है, बताओ इतना छोटा बच्चा मर गया। अरे 100 करोड़ कुछ नहीं है, तीनों लोकों की संपत्ति तुम्हें मिल जाए और उसके बदले तुम एक क्षण चाहोगे अधिक अपनी आयु से नहीं मिलेगा। ऐसे अमूल्य श्वासों को, दुर्लभ क्षण को हम लोग निंदा में, स्तुति में, लोक व्यवहार में, झूठ सच बोलने में, खाने सोने पीने में, हंसी ठट्ठा करने में, ताश शतरंज खेलने में, और जाने क्या क्या खाने पीने में, और मौज मस्ती बाहर करने में, उस समय को आग लगा देते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।